जैसे ये स्टॉक 260 है तो रफली अराउंड सुपर चार्ज के बाद 500 bhp टच करेगा। एयर इंटेक इतना बड़ा है कि कंपनी को इसमें बैटरी डालने की जगह नहीं मिली। सो 160 के आसपास है अभी। 160 पे है? यस। अरे भाई इस वीडियो को तुमने ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं किया ना मैं बात नहीं करूंगा। तो ये देखो मैं किधर जाऊं। ओए होए होए मुझे नहीं लगता कि आपको बिना हेलमेट इस गाड़ी में बैठना चाहिए। बचा ली स्केट। तो यार बहुत बोल के तुम्हारे मिहिर गलत की नेक्स्ट एपिसोड है भाई। तुम देख लो मेरे सामने आज यहाँ पे जो गाड़ी है ना गाड़ी का बात करेंगे बंदे से मिलाते हैं यार अली भाई मेरे साथ। कैसे भी है अली भाई? बहुत बढ़िया यार। मैं नागपुर आया हूँ स्पेशली, तुम जानते हो ना नागपुर की भी सीरीज चल रही होगी, बीच में कुछ वीडियो भी आ गई होंगी है ना, तुम जानते हो मिहिर गलत एज ऑज फुल गलत। ठीक है मैं बात कर रहा हूँ स्कोडा सुपर्ब की। ये है स्कोडा सुपर्ब पर ये गाड़ी ओनली, आप देखो ओनली इन इंडिया की बात नहीं करेंगे, ठीक है आज हम नागपुर में तो ओनली जेन्युइन चीजें बात करेंगे, वन इन इंडिया नहीं है पर कितनी है इंडिया में ये 8-10 के आसपास बची होनी चाहिए। अच्छा एक बार आप जरा ऑडियंस को बता दो स्कोडा सुपर्ब कब लॉन्च हुई थी? ये 2011 का मॉडल है। ये 11 का मॉडल है। और सुपर्ब इन जनरल कब लॉन्च हुआ था इंडिया में? टाइप 2 है, टाइप 1 लॉन्च हुआ था अराउंड 2007। तुम समझ रहे हो टाइप 1 की बात जो कर रहे हो वही है 2 लीटर डीजल 1.8 लीटर पेट्रोल। और ये जो गाड़ी है वो ये 3.6 लीटर पेट्रोल। तुम समझना ठीक है, थोड़ा मैं हाई बनाऊंगा देखना कैसे बनाता तुम्हारा भाई। 3.6 लीटर VR6 V6 इंजन एक तरीके से ठीक है। और सबसे मेन बात सबसे अहम बात ऑल व्हील ड्राइव। अली भाई ये ना कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें हमें आड़े टेढ़े डोर्स नहीं दिख रहे है ना, मतलब ऐसी फ्लैशी चीजें नहीं है पर ये परफॉर्मेंस मॉड्स है। फैमिली सेडान थी। अच्छा ये फैमिली सेडान थी, लोगों ने इसको फैमिली कार की तरह रखा है, हमेशा रखते आए हैं। अच्छा हमने इसे ऐसा बनाया है अभी के लिए कि उसे प्रोजेक्ट कार का नाम दे सकते हैं। मुझे अपना जरा स्टोरी बताओ ठीक है, ये गाड़ी कैसे ली अपन ने, क्या सीन था, मतलब क्या लेने निकले थे? तो मैं पहले एक स्कोडा ऑक्टाविया VRS ओके द मार्क 1 ओरिजिनल जो थी उसका ओनर था। उसके बाद उस पर मैंने स्टेज 2 किया, टर्बो लगाया, सब किया, बट देन वो फ्रंट व्हील ड्राइव था। ओके आई वाज लूजिंग अ लॉट ऑफ पावर, मतलब वो फ्रंट व्हील था तो व्हील स्पिन मारता था। ओके तब मेरे दिमाग में आया कि एक ऑल व्हील ड्राइव चाहिए। तब मुझे ये गाड़ी मिली बॉम्बे में क्लासिक कंडीशन में, उसे लिया, ऑल व्हील ड्राइव था, इंजन बड़ा था, तो बड़ा मज़ा आएगा, तो मैंने जाके इसको परचेज किया। अब जो मैं देखता हूँ गाड़ी का, इसका विजन बहुत अलग है मेरे दिमाग में। मेरा प्लान अभी इसको सुपर चार्ज करने का। अच्छा तो अभी जैसे ये स्टॉक 260 है तो रफली अराउंड सुपर चार्ज के बाद 500 bhp टच करेगा। 500 bhp दैट्स द विजन आई वाज होल्डिंग, मेरे को उसमें मजा आ रहा था। मैं बोला यार तुम कर तो लोगे लेकिन फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव में बहुत फर्क भी आता है। हाँ। तो 500 bhp जब का सपना रखते हो हाँ। तुमको पावर आउटपुट कैसा होता है, तुम रोड पे क्या करते हो, उसका विजन रखते हैं। मैंने ऑल व्हील ड्राइव लिया। ऑल व्हील ड्राइव लिया आपने? ओके मेरे को ना आप जरा ये बताओ आप ठीक है, ये गाड़ी आप लेने यही निकले थे गाड़ी, आप आपको सुपर्ब चाहिए नहीं, थी? मेरे को प्रोजेक्ट कार चाहिए थी। अच्छा व्हिच इज फन टू ड्राइव, मजा आए, मैं उस पे क्रेजी मोड्स कर सकूं। आपने सुना हुआ था इस गाड़ी का पहले? नहीं ना, नहीं। ज्यादा मजा आया होगा फिर? नहीं मेरे को पता ही नहीं था गाड़ी क्या है। अरे यार मैं जब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था मैं बोला कि ये कौन सी गाड़ी है, ये कैसे आ सकती है, ये तो इंडिया में आई नहीं है। और 4x4 VR6 3.6 लीटर जो ये कॉम्बिनेशन है, इट्स अ वेरी ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। यार पहली चीज तो आप सोचो, ऑडियंस तुम भी सोचो ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक सेडान में 3.6 लीटर की बात कर रहे हैं। 3600 cc वाज द अल्टीमेट। एसयूवी में आते हैं ऐसे बड़े इंजन ठीक है। दूसरी चीज VR6 मतलब V6 वो आते हैं क्या मैटर है ठीक है। तीसरी चीज हम सेडान में ऑल व्हील ड्राइव की बातें कर रहे हैं ठीक है, इसीलिए गाड़ी इतनी रेयरेस्ट, इसीलिए गाड़ी इंडिया में इतनी कम पाई जाती है। क्यों? सीबी यूनिट है ये? सीबी ओहो सीबी यूनिट है, कंपनी मैटर था। आई मीन ऑनेस्टली वो कंपनी ने लाया पर लोगों ने नहीं खरीदा। आई थिंक वो टाइम पे इसका एक शोरूम भी 27 लाख था। अच्छा 2011 में ऐसा कुछ थी इसका एक शोरूम था। तो ऑब्वियसली सेम गाड़ी, एग्जैक्टली सेम गाड़ी 1.8 लीटर टर्बो में मिल रही थी लोगों को, तो लोगों ने वो परचेस किया टर्बो के मुंह में लग्जरी कार में। लग्जरी कार में हमको इंजन से क्या करना है, हमको तो पीछे बैठने से फर्क पड़ता है। ओके तो ध्यान नहीं दिया था? ध्यान नहीं दिया, फीचर्स सेम है, सब एवरीथिंग इज सेम। ओके सिर्फ इंजन और 4x4। और बता रहे थे कि यार आपको भी टर्बो से एक अलग प्यार है था। पर है ना तो आप जब पहली बार एनए गाड़ी में बैठे
पर VR6 है ना, कैसा लगा? Honestly, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, झूठ नहीं बोलूंगा। कैसे ये डिसअपॉइंटमेंट कैसे लगता है कि यार इतना बड़ा इंजन है, मेरे को लगा फन टू ड्राइव होगा। बिल्कुल, मैं बोला यार टर्बो वाला मजा तो नहीं है। बट देन जब मैंने इसको ओवर द लॉन्ग पीरियड चलाया, बॉम्बे से नागपुर ड्राइव किया, अच्छा, तब मुझे समझ में आया कि व्हाट इज NA, NA का फन इज द लास्ट पार्ट ऑफ द पावर बैंड। जब रेव करती है, जब 7000 आरपीएम पे जाती है, NA का मजा वो है। और टर्बो का मजा है 3000-4000-5000 आरपीएम पे, पर टर्बो किक इन जो होता है, जब टर्बो किक इन होता है, बिल्कुल, तुम NA जब खींचती है, इट रियली स्प्लैशेस आउट। मतलब ड्रैग में ऐसे NA वाली इसको कौन हरा पाएगा? मुझे तो टर्बो वाले भी नहीं हरा पाएंगे। आई मीन इतना बड़ा इंजन है, द प्रॉब्लम गोज टू कि ये सीधा GTR के लीग में जाती है। अच्छा, इतना बड़ा इंजन है कि वो सीधा GTR के लीग में जाती है। सो मैंने ये सोचा था कि हम एक मिनट, सॉरी फॉर कटिंग, GTR हम कौन से GTR की बात? निसान GTR, निसान GTR, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि वो V6 टर्बो है, वो ट्विन टर्बो है शायद। अच्छा, तो जब वो आई थिंक 3 लीटर है, आई डोंट नो क्या स्पेसिफिकेशन है उसके, बट ड्रैग्स में यूजुअली जो टर्बो कार है उनको उनका CC बढ़ा देते हैं वो लोग, अच्छा, बिकॉज ऑफ टर्बो। और NA का 3.6 है तो 3.6 ही रहेगा, टर्बो का अगर 3 लीटर है तो कुछ मल्टीप्लाई करते हैं टर्बो किक इन के लिए। ओके, तो अगर ड्रैग्स की बात करें तो ड्रैग्स में इधर बैठना, मैं इधर बैठूंगा, मैं जरा फील लेना चाहूंगा, ठीक है? उससे पहले, अच्छा, पॉप द हुड वाली बात करते हैं अपना, जरा हुड को ओपन करो आप ना, लोगों को दिखाते हैं और लोगों को एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज VR6, है ना। V6 हमने सुना है, सबने सुना है, पर VR6 क्या है जरा वो एक्सप्लेन करते हैं। खोलो भाई, आप ही बता दो भाई, मेरे लिए तो बहुत बाहर की चीजें हो रही है। बहुत सिंपल है, हाँ, इंजन ब्लॉक बहुत बड़ा है, ट्रांसमिशन उसके नीचे, ड्राइव शाफ्ट नीचे जाता है, बट ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, दिस इज द मेजर कंसर्न। उसका एयर इंटेक इतना बड़ा है कि कंपनी को इसमें बैटरी डालने की जगह नहीं मिली। अच्छा, तो बैटरी इसकी बूट में, बूट पे है, ओके, ठीक है। और वो जो आर की बात कर रहे हैं, व्हाट इज VR6? सो यूजुअली V6 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, हाँ, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, डायगनली चलता है, डायगनली चलता है, बिकॉज पिस्टन इतने बड़े हैं दैट दे कांट प्लेस इट नेक्स्ट टू ईच अदर। Okay. Because this was made for foreign countries. It wasn't for India. और R की definition क्या है? उसको ये design को VR6 बोलते हैं। Basically diagonal वाला scene है, सिर्फ normal VR6 से। Opposite नहीं है, diagonal है। Okay. मतलब inline भी नहीं बोल सकते, V6 भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए VR6। इसलिए VR6। तुम लोग R की definition जितने लोगों को बताएं, but comment section में हो जाए, ठीक है? अच्छा, air filter वगैरह हमने इसमें थोड़ा change करने के लिए try करी? नहीं करा। मेरे को recent मतलब 6 महीना हुआ है कार खरीद के। इसका रिस्टोरेशन में काफ़ी टाइम गया, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ये पेंट, ये रैप नहीं है। अच्छा, पेंट है ये? ये पेंट है। अरे वाह यार, ये पेंट है, क्योंकि मुझे रैप करना ही नहीं था कभी। आई डोंट लाइक रैप्स। अच्छा, क्लियरली, तो मैंने इसको पेंट कराया, रिस्टोरेशन में बहुत टाइम लगा। फन बॉयज आर हैविंग फन। इसे रैप नहीं कराया, पेंट कराया, क्लासिक रखा, ओल्ड स्कूल, डोंट वाना मैस इट अप, क्योंकि इसका जैसे मैं गाड़ियाँ यूज़ करता हूँ, इट्स प्रीटी रफ, मैं तो केयर करता हूँ। फिर ना एक काम करेंगे, यहाँ से वहाँ तक मैं, वहाँ से यहाँ तक आप, ठीक है? और आपको ना फिर मजा चखाने की, बेटा आप जब चला रहे हो आपको लग रहा है कि आप अच्छा चला रहे हो, पर जब ओनर बैठेगा ना, जब ओनर चलाएगा, तब आप फिर निःशब्द हो जाओगे एक तरीके से ना, तो वैसा आपको फील दिलाना है, ठीक है? ओके, तो आप एक तरीके से जेन्युइनली जो हम बात कर रहे हैं ना, कि आपने रैप नहीं कराया, आपने पेंट कराया, जस्ट व्हाट? Being old school, Being wrap old school. maintenance is a pain. कुछ भी scratch कुछ लगता है, you have to wrap it again. बिल्कुल। बहुत सही, ठीक है। आपने paint कराया for the old school भाई, आपने D-chrome गाड़ी को पूरा करा रखा है, मैं देख रहा हूँ, है ना? BBS के ये original alloy है। कितने के पड़ते हैं BBS के original? क्योंकि हम दिल्ली वालों को in general BBS के वो दूसरे वाले alloy मिलते हैं। Correct. ठीक है, कितने के हैं ये? मेरे को ये पड़े आई थिंक सिर्फ अलॉयज अलॉयज 2,30,000 आसपास। 2,30,000, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे दिल्ली में ओरिजिनल भी लेते हैं, पर तुम जानते हो ना, मैं दिल्ली की मेन कल्चर की बात कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, 2,30,000 के आपको सिर्फ अलॉयज अलॉयज पड़े। इसमें टायर अभी चाइनीज है। अच्छा, बिकॉज एक बार मॉड हो जाए, सुपरचार्ज हो जाए, उसके बाद कौन से टायर सूट करते हैं उस हिसाब से लेके। मुझे तो लगता है मजा आ जाएगा सुपरचार्जर के बाद, लिटरली यार, उसका सुपरचार्जर का वाइन इज मैडनेस। अच्छा, अब जरा बता दो कितने इंचेस में अलॉय आता है, कितना आपने अपग्रेड किया? स्टॉक थे 17, हाँ, मैंने किया 18। मुझे लगता है इससे बेस्ट डिसीजन और कुछ हो नहीं सकता, जितना स्टॉक है उससे 1 इंच अपग्रेड। मैंने टायर प्रोफाइल बढ़ा के रखा हूं, अच्छा, फॉर कंफर्ट,
क्योंकि मेरे को लोअर नहीं करनी थी। अच्छा। बट जो व्हील गैप है मुझे वो कम करना था। ओके एंड हमारे यहाँ के रोड्स भी ऐसे दैट आई डोंट वांट टू रिस्क इट विद अलॉयज, वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं टायर सेट चेंज करूँगा तो प्रॉब्ली लो प्रोफाइल डालूंगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बट अभी मुझे कम्फर्ट चाहिए था, कॉर्नरिंग चाहिए था। ओके गड्ढे में गई भी तो मुझे टेंशन नहीं चाहिए थी। मैंने सुना है इस ग्रुप में आपसे बेस्ट कॉर्नरिंग और कोई नहीं करता। नहीं करता। अभी बात करेंगे इस बारे में। आप जरा ना एग्जॉस्ट की साउंड सुनाओ, ठीक है? इस गाड़ी में एग्जॉस्ट भी ट्यून हुआ हुआ है, ठीक है? पहले से आती थी। अच्छा, इसमें अभी रेव लिमिटर है। अच्छा, 4000 RPM के ऊपर रेव नहीं जाते हैं। क्यों? कंपनी से आया था। तो इसको आपने अनलॉक नहीं कराया? नहीं, अभी तक नहीं। स्टॉक गाड़ी है। Okay. I haven't touched any this thing. और इसके एग्जॉस्ट में आपने क्या करवाया है काम? वॉल्ट्रॉनिक सिस्टम लगवाया था। अच्छा। बट अभी बंद करके रखा हूं because I don't need it. तो ये ऑफ में चल रहा था, मतलब ये ऑन है? ऑन है ये। ये एक फुल फ्लोइंग सिस्टम है। द प्रॉब्लम विद वॉल्ट्रॉनिक इसमें है कि इसका 3600cc इंजन है, तो उसका प्रेशर इतना है कि ये वॉल्व्स तोड़ता है। अच्छा। तो वॉल्व्स लीक कर जाते हैं, तो इसलिए अभी वॉल्व्स बंद करके रखा हूं। हां, इसमें एक और वॉल्व लगेगा तो आई विल कीप अ ड्यूल सिस्टम कि राइट में भी लेफ्ट में भी। और एक आप बता रहे थे कि बेस ट्यून आप बता रहे थे एग्जॉस्ट में, वो अगर इंजन में डाउन पाइप डालते हो। हां, तो इंजन वैसे मेरा चेक इंजन लाइट तो चालू है ही बिकॉज़ ऑफ द ट्यून एंड इलेक्ट्रॉनिक का इशू। ट्यून बेस ट्यून? बेस ट्यून, ये आप बता रहे हो। हां, तो क्योंकि डाउन पाइप में एयर फ्लो बढ़ता है। Okay. एयर फ्लो बढ़ता है तो गाड़ी चेक इंजन देती है। अच्छा। और परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट के हिसाब, जैसे एग्जॉस्ट लगाते तो 8-10 BHP बढ़ता ही बढ़ता है। डेफिनेटली बढ़ता है एयर फ्लो के। बिल्कुल 8-10 ना बढ़े लेकिन 3-4 तो बढ़ता है। कुछ भी बढ़े मतलब बढ़ता है, इंजन एने का ज्यादा परफॉर्मेंस है एग्जॉस्ट पे। हां हां। तो बेस ट्यून, व्हाट बेस ट्यून डज इज वो डाउन पाइप से एडजस्ट करके एयर और फ्यूल रेशियो को मिलाता है। ओके। वो एयर और फ्यूल को वैसे मिलाता है ताकि डाउन पाइप हमने क्योंकि बड़ा लगाया है तो बड़ा सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो वैसे पूरा डाउन पाइप है ये? डाउन पाइप और एक रेजोनेटर है इसमें। कितने रेजोनेटर आते हैं इसमें? आई थिंक 3 रेजोनेटर और 3 कैट, कुछ 7 कॉम्बिनेशन है इसमें। और मतलब अलग ही इंजीनियरिंग हो रही है इसमें? इसमें यूजुअली लोगों में 4 होते हैं, 5 होते हैं, इसमें 7 है अगर रेजो और कैट को मिलाए तो। आओ भाई, आप उस तरफ बैठो, ठीक है? आओ, मस्टैंग को जाने दो, ठीक है? अच्छा, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। 2011 मॉडल, सनरूफ के साथ, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक पूरा सीट एडजस्टमेंट तुम देख रहे हो ना, मतलब यार क्या ही। एक मिनट, मसाजर भी है क्या इसमें? नहीं मसाजर। तो ये 1-2-3 क्या है? लंबर सपोर्ट। अच्छा, लंबर मेमोरी है। अच्छा, मेमोरी है अगेन। अच्छा, मेमोरी मतलब ऐसा है कि आपने जिस तरीके सेट किया वो मेमोरी? हाँ, बट वही इलेक्ट्रॉनिक इशू जिस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, वो बहुत है तो इस वजह से होता नहीं है। मतलब आप मुझे ऑफ कैमरा बता रहे थे वैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इशू इस गाड़ी में काफी है। अल्टीमेट है। कैसे, ऐसा क्यों? ये स्कोडा की ही बात है? स्कोडा की बात है। जनरली जैसे आई नो लॉरा एज़ वेल, हां, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इशू, उसमें इतना नहीं है क्योंकि उसमें वो टाइम पे थे फीचर्स नहीं थे। अच्छा। बट इसमें इतना फीचर्स दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक इशू बहुत है। जैसे अगर गाड़ी पे कुछ काम करते हो, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं इंफोटेनमेंट देखूं, हां, तो दिस मेरा ये लॉक हुआ हुआ है, सो आई हैव टू गो टू द कंपनी एंड आस्क देम टू अनलॉक इट। अभी तक कराया नहीं आपने? अच्छा, अभी जस्ट आपने 3 महीने पहले लिए थे। हाँ, मतलब यूजुअली बिजनेस पे भी बिजी रहता हूँ तो इस पे सिर्फ वीकेंड्स पे काम करता हूँ। ओके। या करवाता हूँ, वीकेंड्स पे कंपनी बंद होती है यूजुअली। अच्छा, मुझे जरा बता दो, इसमें ऑटोमेटिक है, ठीक है? कौन सा ट्रांसमिशन आ रहा है? DQ250 आ रहा है इसमें, 2011 में। यस, दैट्स व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट। अच्छा, DQ200 नहीं है वरना मेरा सर दर्द और होता था। बिल्कुल, 250 थोड़ा वेट क्लच वाली बात हो गई ना। टेरेबल गियर बॉक्स कभी भी गिव अप करता है, मेगाट्रॉनिक्स का बहुत टेंशन है उसमें। 250 में, 200 में? 200 में। 200 में। हाँ। 250 वेट क्लच ना? अच्छा, 250 इज मोर रिलायबल देन 200। यस। तो ये गियर बॉक्स का हैंडलिंग कैपेसिटी एट दिस पॉइंट इज 500 BHP के आसपास। ओहो। बट उसके बाद आई थिंक आई प्रोबब्ली अपग्रेड द क्लच। पर आपको पता है कि अगर कभी ये इसमें दिक्कत आ गई तो लाखों का खर्चा है फिर। गाड़ी लिए है, 500 BHP करना है सपना। अरे तो व्हाई नॉट। अच्छा, और क्या क्या इस गाड़ी में, जरा मुझे कुछ है ऐसा बताने लायक या सीधा चलाए? इट्स अ वेरी क्लासिक कार। मैं बोलता हूँ चलाते हैं, मस्टैंग वाले ना थोड़ा एडलिनेशन ज्यादा दे रहे हैं। Now the curve, go push, turn, 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 आराम से, yes,
यार अली भाई मुझे ये बताओ, मैंने अक्सर देखा है जो बड़े इंजन होते हैं ना, ये बड़े इंजन में ना आप जब बैठते हो बड़े इंजन वाली गाड़ी में, आपको फील आता है कि बेटा तू जिस स्पीड में चला रहा है ना, मेरी वो पोटेंशियल नहीं है। करेक्ट, थोड़ा सा और दबा। दिल्ली बॉयज इन नागपुर, ले भाई 120, ठीक है आओ फुल टेस्ट करते हैं आगे तक, 140। अब लगता है थोड़ा ब्रेक, ओए होए ओए होए होए, ब्रेक्स आपने अपग्रेड कर रखे हैं। स्टॉप, फोर पिस्टन ब्रेक्स, फोर पिस्टन ब्रेक्स, फोर पिस्टन ब्रेक्स। यूजुअल गाड़ियों में पिस्टन्स छोटे आते हैं, अच्छा जैसे Porsche में 6 पिस्टन्स है, अच्छा इसमें आई थिंक 4 पिस्टन्स है। तो हमने कंपेयर भी सीधा Porsche से किया है। yes, फिर ना दैट्स इट यार, इसकी आवाज सुनो तुम ना, देखो कोई ट्यून ट्यून नहीं है सच में। द ये देखो विंडो डाउन एंड क्या सड़क है यार इस गाड़ी के हिसाब से, और मैं कह रहा हूं यार बेहतरीन बेहतरीन। और ये कॉल रिंग देख रहे हो, मुझे पता लग गया। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने अभी इस गाड़ी को नहीं छोड़ा ना तो मैं शायद आपको गाड़ी दूंगा भी नहीं, ठीक है मैं जिद्दी हो जाऊंगा फिर। बच्चा नहीं होता कि ये मेरी चिज्जी है, ठीक है बेशक उसकी हो भी ना। तो अब आप चलाओ और आप अब जरा अपने तरीके से बीइंग इन ओनर पर्सपेक्टिव दिखाओ कि देखो यार और मजा लो, ठीक है। अब तुम जरा ना फील भी लेना, ईयरफोन्स वगैरह डाल लो, ठीक है। लो भाई पता चल लियो द बेस्ट बिट इन दिस इज, अब देखना ठीक है, ऐसा लग रहा है टर्मैक पे प्रॉपर रेसिंग इवेंट हो रहा है। हमेशा थ्रॉटल पे ऑन थ्रॉटल कॉर्नर करता हूं, सो 120 कंफर्टेबल। की तो बात है पर ओनली 7 इन इंडिया राइट, 8-9 व्हाटएवर, बिल्कुल सम पीपल डोंट पब्लिश इट। सो 140 द कार्स लाइक अ बोट, मेरे को सस्पेंशन अपग्रेड करने हैं फॉर स्पोर्टी फीलिंग, बट Because मेरा 4x4 है, I have enough grip on the road. Okay. मैं नहीं करता suspension. ये देखो. Look at the turn. ओए 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 ओए. अरे दादा बेहतरीन. ले भाई. ले ये आ गए हम location पे अपनी, ले से भी आ गए. और मजा लो audience. ठीक है. 6500 पे shift करती है. कितने पे? 6500 पे. Stock गाड़ी. If I upgrade the, if I do the gearbox tune, हाँ, जाएगी 7000। बिल्कुल मुझे लगता है आपने gearbox tune, आपने अगर gearbox और ISU दोनों इकट्ठे tune कर दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको बिना helmet इस गाड़ी में बैठना चाहिए। That's the plan. इसलिए ये गाड़ी रखा हुआ है कि it's only a project का. I'm not gonna, मेरा daily ride तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। मैं daily ride बिल्कुल नहीं कर सकता ये गाड़ी, because first of all. वैसे आपने daily ride के लिए कौन सी गाड़ी रखी हुई है? Compass. Compass, the new Compass. I like that. और उस पे एक बता दे रहा चिढ़ाते हैं कितना सीसी इंजन है उसमें? 2000 सीसी. Compass? अबे एसयूवी पे 2000 दे दो, यहाँ देखो. ठीक है चलो अपनी जगह भाई, वीडियो के आखिरी चरण में जरा कुछ नेगेटिव पॉइंट शेयर कर दो इस गाड़ी के, कुछ नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल हम समझ गए, पार्ट्स आर वेरी हार्ड टू फाइंड, ओके ट्यून इज वेरी हार्ड टू फाइंड। अच्छा आई एम ट्रस्ट कोड 6, इसलिए आई लास्ट कोड 6 टू डेवलप अ ट्यून, ओके बट प्रॉब्लम इज एनए, बिल्कुल बिल्कुल मेजर प्रॉब्लम कम्स अप टू एनए, इसलिए ट्यून भी शायद हमने नहीं कराया। करेक्ट, मेरे को क्योंकि स्टेज 2 करूं कुछ भी करूं 30-40 bhp भी बहुत हो गए, क्यों कराया फिर ट्यून? एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं एग्जॉस्ट का मजे ले रहा हूं, एंड व्हेन आई कैन डू द सुपरचार्जर आई विल डू द सुपरचार्जर। बोल्ट ऑन किट है, इंपोर्ट है, करेंगे, दैट्स द प्लान। नेक्स्ट बार नागपुर लगता है आना ही पड़ेगा, ठीक है इस चीज के लिए बेहतरीन, प्रोबब्ली नेक्स्ट ईयर तक प्रोजेक्ट हो जाएगा। अरे डन डन ब्रो। yes. चलो फाइनली वीडियो पे एंड करते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ अगर तुम लोग वीडियो आता देख रहे हो तो अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली में वीडियो तुम्हें शेयर करनी है भाई, आपकी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करनी है, नॉट रिक्वायर्ड, कोई दिक्कत, कोड 6 नागपुर, कोड 6 नागपुर इंस्टाग्राम आईडी में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है फॉलो कर लेना। बाकी चलो वीडियो पे एंड करते हैं, सबसे पहले अगर तुम लोगों का कोई ऐसी गाड़ी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, जाके अपनी गाड़ी की फोटो भेजो, फिर नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी गाड़ी से जरूर आएंगे, ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, जाके फॉलो है अपना सब कुछ कर लेना, ठीक है एंड करते हैं एपिसोड को। मैम ही कहूँ तो आपसे अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय भाई, ऐसे करो।
बोलो साइनिंग आउट साइनिंग आउट साइनिंग आउट।